गाइस ज्यादातर क्या होता है जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोस लेकर आता हूँ ना तो भाई आप में से मोस्ट लोगों की उसमें से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती क्योंकि हर किसी की अलग अलग पसंद है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आज की वीडियो में आप में से मोस्ट लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में एक नहीं बल्कि 5-6 डॉग ब्रीड लेकर आया हूं। शायद उससे भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगी। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी स्पेशल हो सकती है क्योंकि भाई आप लोगों को क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। और अच्छी बात तो यह है कि आप लोगों को जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी ब्रीड्स आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉटवेलर के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पपीज है। मेल भी मिल जाएंगे, फीमेल भी मिल जाएंगे और पपीज जो है काफी डार्क कलर में। वैसे उनर के पास अलग अलग लीटर के पपीज अवेलेबल है तो क्वालिटी के हिसाब से सबका प्राइस अलग अलग होगा। लेकिन फिलहाल जो पपीज है उनका प्राइस मैं आप लोग को बता दूंगा। तो भाई जिन लोगों को सिक्योरिटी पर्पज से डॉग ब्रीड चाहिए तो आप लोग रॉटवेलर को कंसीडर कर सकते हो। आई एम श्योर अगर ये आप लोगों के घर में है तो कोई आप लोगों के घर के आसपास भी नहीं आएगा। तो अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो 35 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है मेल की 12,000 रुपीज 12,000 रुपए एंड फीमेल की जस्ट 7,500 रुपीज यानी 7,500 रुपए। बाकी प्राइस नेगोशिएबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हमारी सेकंड डॉग ब्रीड के बारे में जो कि काफी मस्कुलर होते हैं, काफी हैवी होते हैं, जिसका नाम है अमेरिकन बुली। दोस्तों अमेरिकन बुली में आप लोगों को दो कलर्स मिल रहे हैं जिसमें से एक व्हाइट कलर है एंड सेकंड ब्राउन एंड व्हाइट जो कि आप लोग फ्लावर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पपीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और वहीं पर अगर साइज के बारे में बात करें तो पपीज पॉकेट साइज में जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज है हर किसी के पास आप लोगों को यही साइज मिलता है। तो फ्रेंड्स ये जो व्हाइट कलर का बुली पपी है ये एक फीमेल है ओड आइज में जो कि काफी रेयर होती है इस ब्रीड के अंदर और जो दूसरा है वो है मेल पपी। तो गाइस ये जो अमेरिकन बुली पपीज है ये 36 डेज के हो चुके हैं एंड उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 15,000 रुपीज 15,000 रुपए और जो ओड आइज की फीमेल है इसका भी प्राइस सेम है जो है 15,000 रुपीज यानी 15,000 रुपए। तो फ्रेंड्स आगे जिस डॉग ब्रीड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी सेम डॉग ब्रीड है जो है अमेरिकन बुली। लेकिन ये छोटा पपी नहीं बल्कि एक एडल्ट डॉग है और काफी अच्छा स्टड भी। बाकी उन्होंने इसके साइज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि कौन से साइज में, बट जहाँ तक मेरा आइडिया है शायद ये स्टैंडर्ड साइज में हो सकता है। तो इस बारे में आप लोग डॉग ओनर से एक बार जरूर डिस्कस कर ले। बाकी क्वालिटी नो डाउट काफी अच्छी है, हेड साइज भी बहुत ही हैवी है। तो अगर आप लोग को स्टड सर्विस के लिए कोई डॉग चाहिए तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं या फिर अगर आप लोग अपनी फीमेल की मैटिंग इस डॉग से कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं कि मैटिंग चार्ज क्या होने वाला। बाकी अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो 19 मंथ यानी 19 महीने का हो चुका है, सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट है एंड ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड किए वो 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जो कि काफी फेमस है, काफी जानी मानी है, जिसका नाम है साइबर हस्की। जी गाइस ये जो साइबर हस्की है ये एक ब्लू आइज की फीमेल है और स्नो व्हाइट कलर में। तो ये जो हस्की है ये एक फ्रेश फीमेल है, उन्होंने इसकी फर्स्ट डेट मिस करा दिया तो कभी भी ये सेकंड डेट पर आ सकते हैं, उस टाइम आप लोग इसे क्रॉस करा सकते हैं और इसका लिटर ले सकते हैं। तो जो लोग अपना ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए इस टाइप की फीमेल्स बहुत ही अच्छी रहती हैं क्योंकि भाई आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग छोटे पपीज से स्टार्टिंग करोगे ना तो आप लोगों का काफी खर्च भी हो जाएगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो फीमेल की अगर एज के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास हो चुकी है, कंप्लीट वैक्सीनेटेड है एंड ब्लू आइज में है। तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं एक काफी पावरफुल डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है वो डोगो अर्जेंटिनो पपीज। भाई क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को प्राइस काफी कम मिलेगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही हाई क्वालिटी के, लेकिन भाई जिनका सपना डोगो अर्जेंटिनो परचेज करने का लेकिन उनका बजट नहीं हो पा रहा कि भाई ज्यादा एक्सपेंसिव डॉग्स को परचेज कर सके तो वो लोग इन पपीज को कंसीडर कर सकते हो। मेल पपीज भी मिल जाएंगे और फीमेल पपीज भी, पेरेंट्स की फोटो वीडियोस ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। बाकी गाइस एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने दोनों का प्राइस सेम रखा, चाहे आप लोग मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को। तो अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 32 डेज के हो चुके हैं और अगर आप लोग चाहो तो इन पपीज को लाइव वीडियो कॉल पर भी देख सकते हैं क्योंकि ये पपीज ओनर के पास ही अवेलेबल है। बाकी जो प्राइस मैं आप लोगों को इन पपीज का बताने जा रहा हूं ऐसा प्राइस शायद आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये चीज एक ही जगह पॉसिबल हो सकती है और वो है माय स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि भाई यहां पर आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी काफी कम प्राइस में मिल जाती है। बस अगर एक बार आप लोगों ने चैनल पर विजिट कर लिया ना तो कोई ना कोई डॉग ब्रीड आप लोग जरूर परचेज करके लेके जाओगे। तो जैसा ही बता चुका हूं दोनों का प्राइस सेम है तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड किया वो 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए, ये मेल और फीमेल दोनों का है। तो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं एक और बेस्ट फैमिली डॉग ब्रीड के बारे में जो कि मीडियम साइज के होते हैं, जिसका नाम है बीगल। दोस्तों ये जो पपीज है ना परफेक्ट मार्किंग में है, तो अगर आप लोगों को बीगल परचेज करने और वो भी डिसेंट से प्राइस में तो आप लोग इन पपीज के लिए जा सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते, अगर आप लोग इनसे गार्डिंग वाली कोई भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो वो चीज ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वैसे हाँ एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि जितनी भी डॉग ब्रीड है ये सभी आप लोगों को एक ही प्लेस और एक ही लोकेशन से मिल जाएंगी जो है रोहतक हरियाणा से। तो अगर आप लोग कोई भी डॉग ब्रीड डायरेक्ट ओनर को विजिट करके परचेज करना चाहते हो तो
तो नो इशू, आप लोग डायरेक्ट ओनर के कैनल पर विजिट कर सकते हैं, सभी पपीज आप लोग को वहीं पर मिलेंगे। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं यार हमारे लिए पॉसिबल नहीं डायरेक्ट आना, तो हम तो डिलीवरी चाहेंगे, तो ओनर आप लोग को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। तो अगर इन बीगल पपीज की एज के बारे में बात करें तो भाई ये पपीज 35 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 10,000 रुपीज 10,000 रुपए एंड फीमेल की जस्ट 6,500 रुपीज यानी 6,500 रुपए। बाकी सभी के प्राइस में आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग सीरियस बायस है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।